सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि हम लोगों ने अगले क्लास में टेंस पढ़ा था और आज हम लोगों ने टेंस के तीन प्रकार पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के तीन प्रकार। हम लोगों ने सीखा था ना टेंस के हमारे कुल तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस के प्रकार। अगर हम प्रेजेंट टेंस के प्रकार का बात करते हैं तो इसके कुल हमारे होते हैं चार प्रकार। कितने होते हैं? यानी फोर टाइप्स। किसके होते हैं? प्रेजेंट के। पास्ट के भी सेम होते हैं, फ्यूचर के भी सेम। पहले जानते हैं पहले कौन सा है। पहला है आपका इनडेफिनिट। पहला कौन सा है आपका? इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूस। तीसरा है आपका परफेक्ट। और चौथा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम कहेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के भी सेम होते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा आपका पास्ट आईएनडी का मतलब यही इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और तीसरा हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट और चौथा आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब उसके बाद है आपका फ्यूचर। फ्यूचर के भी आपके सेम होते हैं। फ्यूचर में आपका सबसे पहले आएगा वही फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर आपका लास्ट में आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको इन सारे रूल्स को अच्छे से आपको याद करना होगा कि टेंस की कितने रूल्स हैं। ये रूल्स तो हम लोग धीरे धीरे करके आके पढ़ेंगे। आपको याद क्या रखना है? प्रेजेंट टेंस के प्रकार, पास्ट के और फ्यूचर के। तो आप सभी ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।